वर्तमान समय में अधिकतर लोग धन को सिर्फ रुपए पैसे मान बैठे हैं और इस अज्ञानता के कारण वे सीमित और संकुचित जीवन व्यतीत कर देते हैं। धन के विभिन्न प्रकार हैं और प्रत्येक धन की संपन्नता के लिए माँ लक्ष्मी ने विभिन्न रूप धारण किए हैं। कहा जाता है कि माँ को स्वच्छता अति प्रिय है। वे उस स्थान का चयन करती हैं जहाँ स्वच्छता होती है। अलग अलग प्रकार का धन इसी तरह को प्रदान करने के लिए माँ लक्ष्मी आठ रूपों में प्रकट हुई हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आठ प्रकार के धन होते हैं और इन्हें प्राप्त करने पर ही आप स्वयं को धनवान कह सकते हैं। माँ का पहला रूप आदि लक्ष्मी का है। आदि लक्ष्मी को महालक्ष्मी भी कहा जाता है। यह रूप माँ लक्ष्मी का प्रारंभिक रूप है। इनकी चार भुजाएं हैं। एक भुजा में कमल, दूसरी भुजा में झंडा, तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, अर्थात इससे माँ अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, तथा चौथी भुजा वरद मुद्रा में दिखाई देती है, अर्थात इससे माँ अपने भक्तों को वरदान देती हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक स्रोत। इनकी कृपा के कारण ही ब्रह्मांड की कल्पना संभव है। माँ आदि लक्ष्मी साधक को उनके स्रोत अर्थात परम आत्मा यानी चेतना तक पहुँचने में सहायता प्रदान करती हैं। माँ आदि लक्ष्मी जिन पर प्रसन्न होती हैं वे सहजता से ध्यान में गहराई तक उतर सकते हैं, अर्थात आनंद, पूर्ण मौन और शांति की स्थिति में पहुँच सकते हैं। जिनके मन में शांति नहीं है और जो आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं, यह जानना चाहिए कि उन्हें माँ आदि लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है। इस प्रकार माँ आदि लक्ष्मी आध्यात्मिक धन को बढ़ाती हैं। माँ का दूसरा रूप धन लक्ष्मी का है। धन लक्ष्मी रूप माँ लक्ष्मी का मौद्रिक धन की देवी वाला रूप है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अपने छह हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, अमृत कलश, धनुष बाण, कमल और अभय मुद्रा, जिससे स्वर्ण वर्षा हो रही है, दिखाई देती हैं। माँ गरीबी का नाश करती हैं और निर्धनों को मौद्रिक धन, सोना और भूमि प्रदान करती हैं। माँ के प्रसन्न रहने पर आय में वृद्धि होती है। माँ उन पर प्रसन्न होती हैं जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं और जिनमें धन प्राप्ति की इच्छा शक्ति, दृढ़ता और साहस होता है। माँ का तीसरा रूप धान्य लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी का एक रूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य अर्थात अनाज और कृषि संपदा। इस प्रकार धान्य लक्ष्मी को कृषि संपदा की देवी भी कहा जाता है। वे हरे वस्त्र धारण किए हुए हैं और अपनी आठ भुजाओं से युक्त हैं। उनके दो हाथों में कमल, एक हाथ में गदा, एक हाथ वरद मुद्रा में तथा एक हाथ अभय मुद्रा में, और अन्य हाथ कृषि संपदा धारण किए हुए हैं। माँ के प्रसन्न होने पर संपदा की प्राप्ति होती है और संपदा उपभोग करने की क्षमता भी प्राप्त होती है, साथ ही सांसारिक सुखों का आनंद लेने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। माँ का चौथा रूप गज लक्ष्मी है। पशुधन प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी को गज लक्ष्मी कहा जाता है। माँ के इस रूप में दो हाथी माँ की दोनों ओर खड़े होकर अपनी सूंड में लिए हुए कलश के माध्यम से माँ का अभिषेक करते नजर आते हैं। माँ गजलक्ष्मी ने देवराज इंद्र के धन को सागर से वापस प्राप्त करने में सहायता की थी। माँ गजलक्ष्मी का वाहन सफेद हाथी है। जिन पर माँ गजलक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उन्हें पशुधन से संपन्न करती हैं एवं समृद्धि भी प्रदान करती हैं। माँ गजलक्ष्मी अपने भक्तों की इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। माँ का पांचवा रूप संतान लक्ष्मी है। माँ संतान लक्ष्मी संतान धन प्रदान करती है, अर्थात माँ संतान लक्ष्मी को प्रसन्न करके लोग संतान सुख प्राप्त करते हैं।
माँ संतान लक्ष्मी बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र भी प्रदान करती हैं। माँ का यह रूप ममतामयी रूप है। माँ विशेष रूप से बच्चों की प्रार्थनाओं का ध्यान रखती हैं। माँ के इस रूप में माँ एक हाथ से अपनी गोद में बैठी संतान को संभाली हुई हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है, दो हाथों में तलवार और ढाल ली हुई है तथा दो हाथों में कलश है जिन पर आम के पत्तों के बीच में नारियल शोभायमान है। माँ कभी लाल तो कभी पीले वस्त्र धारण करती है तथा फूलों की माला और स्वर्ण आभूषणों से विभूषित है। माँ को फूल अत्यंत प्रिय है। माँ न केवल संतान सुख प्रदान करती हैं, बल्कि वे संतान को उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करती हैं। माँ का छठा रूप वीरलक्ष्मी है। माँ वीरलक्ष्मी प्राणियों को वीरता संपन्न बनाती हैं। इस प्रकार योद्धाओं और वीरों की आराध्या देवी माँ वीरलक्ष्मी ही है। माँ का यह रूप आयु, स्वास्थ्य, संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख देने वाला है। माँ कमल के आसन पर पद्मासन में विराजमान है और लाल वस्त्रों के साथ आभूषणों और फूलों से सुशोभित है। ये विभिन्न रूपों में दर्शन देती हैं, जिनमें दो भुज, चतुर्भुज, छह भुज और अष्टभुज शामिल है। दो भुज रूप में माँ एक हाथ से अभय देती हैं और एक हाथ वरद मुद्रा में है। चतुर्भुज रूप में माँ दो हाथों में कमल और दो हाथ अभय और वरद मुद्रा में है। अष्टभुजा रूप में माँ पाश, गदा, कमल, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, अंकुश, अक्षय सूत्र और पात्र धारण किए हुए हैं। वरद मुद्रा और अभय मुद्रा वाले हाथ सुरक्षा, आश्वासन और उदारता को दर्शाते हुए भय को दूर करते हैं। माँ का आकर्षक, सुंदर और शांतिपूर्ण चेहरा प्रेम और करुणा की भावना पैदा करता है, जो भक्तों में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प उत्पन्न करते हैं। वीरलक्ष्मी के रूप में माँ का अवतार शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक दृढ़ता और निडरता का प्रतीक है। माँ वीरलक्ष्मी को धैर्य लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ का सातवां रूप विजय लक्ष्मी है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, जिनकी आठ भुजाएं हैं, जिनमें से दो भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में हैं। दो भुजाओं में कमल और शंख है, अन्य सभी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। विभिन्न रूपों में माँ का यह रूप अपने नाम के अनुसार ही विजय का प्रतीक है। माँ का यह रूप अपने भक्तों को विजय प्रदान करता है और भक्तों के मन से भय का नाश करता है। माँ न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में मानव को विजयी बनाती हैं। यह निश्चित है कि जिनके साथ माँ होंगी विजय उसी की होगी। माँ के इस रूप में अवतार लेने का उद्देश्य भी यही था कि अपने भक्तों को हर बाधा से मुक्त करें और विपरीत परिस्थिति में धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ संभालने हेतु सक्षम बनाएं। माँ विजय लक्ष्मी भक्तों के मन में आशा और प्रेरणा का संचार करने वाले कई रूपों में से एक है। माँ विजय लक्ष्मी को संगीत और सिंदूर अति प्रिय है। उनका स्वागत फूलों और दीपों के साथ किया जाता है। जब माँ प्रसन्न होती हैं, तो आंतरिक शक्ति का विकास और जीतने का दृढ़ विश्वास हमारे चरित्र में उतर जाता है। साथ ही जीवन में शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण भी आ जाता है और यही विजयी होने के गुण भी हैं। यही गुण माँ की उपस्थिति का आभास कराते हैं। माँ की उपस्थिति में जीवन के प्रत्येक पहलू में विजय प्राप्त होती है। माँ का आठवां रूप है विद्या लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी ने जीवों की सहायता हेतु कई रूप धारण किए हैं। उनमें से एक है माँ विद्या लक्ष्मी। माँ विद्या लक्ष्मी ज्ञान रूपी धन प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से ही जीवों का बौद्धिक विकास होता है। माँ विद्या लक्ष्मी को सफेद वस्त्रों में चित्रित किया गया है। माँ स्वर्ण आभूषणों से विभूषित है। माँ की चार भुजाएं हैं, जिनमें दो भुजाओं में कमल है तथा दो अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में है।
माँ विद्या लक्ष्मी अभय मुद्रा से भक्तों को अभय प्रदान करती हैं और वरद हस्त से भक्तों को वरदान देती हैं। माँ जीवों को मानसिक सुदृढ़ता के साथ साथ उनके असुरक्षा, अनुभवहीनता और अज्ञानता के भय का नाश भी करती हैं। इस प्रकार माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों से अपने भक्तों को विभिन्न क्षेत्रों में धनवान बनाती हैं।